हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही ब्यूटीफुल डॉल शलवार, जिसे आप अफगानी शलवार भी बोल सकते हैं, बट मैं इसका जो लुक है वो कुछ चेंज कर दूंगी। इसमें स्टिचिंग एंड कटिंग का जो आइडिया मैं आपको दूंगी, इसमें बहुत ही ज़्यादा यूनिक दूंगी एंड बहुत ही ज़्यादा ईजी दूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने 2 मीटर का फैब्रिक लिया है और ये जो फैब्रिक है वो लीलन का है। लीलन फैब्रिक में बहुत ही अच्छा इसका लुक आएगा। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसे डबल फोल्ड कर दिया है, ये देख सकते हैं आप इसे। अब मैं इसके बाद इसे 4 फोल्ड करूँगी कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने जो इसे 4 फोल्ड किया है, इसकी जो चौड़ाई रखी है वो मैंने 20 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, चाहे जितना घेर रख सकते हैं, बट मैं इसमें घेर जो है वो कम रखूँगी। उसके बाद इसकी जब हम लेंथ लेंगे तो ऊपर से 5 इंच की मैं बेल्ट लगाऊंगी, तो 5 इंच ऊपर से इस तरीके से निकाल के 38 इंच की लेंथ ले लूँगी। आपकी जितनी भी लेंथ हो आप 5 इंच ऊपर निकाल के उसके बाद अपनी लेंथ का मार्किंग कर लें। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से 38 इंच पे मार्क कर लिया है ऊपर से 5 इंच निकालने के बाद, एंड इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी तो हमारी लेंथ होगी। उसके बाद आसन का निशान लगाएंगे हम, तो 2 इंच की मैं चौड़ाई लूँगी आसन में और उसके बाद 5 इंच ऊपर निकालते हुए 13 इंच पे मार्क कर दूंगी यहाँ पर। तो 13 इंच में मार्क करने के बाद आपको इस तरीके से एक एल शेप दे देनी है जहाँ पे हम आसन का ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये एल शेप दे दी है, उसके बाद एक राउंड शेप दे दूँगी। राउंड शेप देने के बाद कुछ इस तरीके से इसका लुक आएगा, एंड इसके बाद मैं इसके नीचे का पाउचा लूँगी। तो पाउचा मैंने यहाँ पे 12 इंच लिया है, 6 इंच का मैं रखूँगी इसमें, तो 6 का मैंने डबल 12 इंच लिया है। आप चाहे तो इसमें ज़्यादा भी ले सकते हैं, इसमें ज़्यादा भी लिया जाता है। तो इस तरीके से एक क्रॉस शेप में इस लाइन ड्रॉ कर दूंगी एंड इसे मैं कट कर लूँगी। तो इसका जो नीचे का घेर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत कम रखा है घेर, क्योंकि इसका जो लुक है वो इसी में ही ज़्यादा खूबसूरत आएगा। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही कम घेर में इसे रेडी करूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको ऊपर से बराबर से कट कर लिया है, तो हमारी शलवार कट हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप। अब मैं इसकी बेल्ट कट करूँगी, तो बेल्ट कट करने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से डबल फोल्ड कपड़ा ले लिया है कुछ इस तरीके से। तो इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 23 इंच रखा है। आपका जितना भी हिप है आप उसमें 3 इंच प्लस करके उसकी चौड़ाई ले लें। उसके बाद जो इसकी जो लंबाई है वो मैंने 7 इंच ली है, क्योंकि 2 इंच इसमें मैं निफा फोल्ड करूँगी तो ये 5 इंच का हो जाएगा। तो अब मैं अपनी शलवार का आसन को स्टिच कर लूँगी यहाँ पर, ये देख सकते हैं। अंदर की साइड आपकी राइट साइड होनी चाहिए, तो यहाँ पर मैंने इसे स्टिच कर लिया है, ये देख सकते हैं गाइस। अब मैं इसे इस तरीके से ओवरलैप करूँगी और इसके पोंचो को स्टिच करूँगी। तो ये दो इस तरीके से हो जाएगा हमारा जो शलवार है कुछ। तो अभी मैं इसमें पाँचों स्टिच करूँगी। तो पाँचों में हम इस तरीके से चुन डालेंगे फ्रिल। तो यहाँ पे हमें एक बड़े टाँके की सिलाई कर देनी है दोनों ही पाँचों में, इस तरीके से एक सीधी सिलाई कर देनी है। तो यहाँ पे मैंने एक सीधी सिलाई कर दी है बड़े टाँके की। उसका जो धागा है आपको लंबा रखना है, थोड़ा सा कट करना है। उसके बाद एक धागे को आप इसको हल्के हाथों से इस तरीके से खींचेंगे जब, तो इसमें फ्रिल डलता चला जाएगा, ये देख सकते हैं आप। और इसे आगे की तरफ, इसे अंदर की तरफ इसे इस तरीके से खींचेंगे एंड बराबर से। तो यहाँ पे जब मैं इसमें चुन डालूँगी तो 12 इंच तक डालूँगी सिर्फ, क्योंकि 6 इंच का फोल्ड होने के बाद 6 इंच का मैं इसमें पाँचा रखूँगी जब इसकी साइड की सिलाई करूँगी। तो हल्के हाथों से आपको धागा खींचना है, आपका धागा टूटे नहीं इतने ध्यान रखें आप। और 12 इंच तक ही आपको इस तरीके से ऐड कर देने हैं इसमें सब में फ्रिल। तो बहुत ही ज़्यादा हल्के चुनाएंगे इसमें, मैं ज़्यादा चुन नहीं डालूंगी एंड दूसरे पैच में भी मैं 12 इंच तक ही इसी तरह कर दूंगी। तो ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 12 इंच तक इस तरीके से एक साथ से इसमें चुन डाल दिए हैं धागा खींचने के बाद। उसके बाद मैं ये एक पट्टी लूँगी जिसे मैंने 1 इंच चौड़ी ली है, आप चाहें तो ज़्यादा चौड़ी भी रख सकते हैं, बट इसका जो लुक है वो मुझे यही चाहिए था। तो नीचे की तरफ मैं पाइपिंग लगाऊंगी, तो 1 इंच चौड़ी ली है मैंने और 12 इंच ही लंबी ली है इसे। उसके बाद मैं इसे रॉन्ग साइड पे इस तरीके से रखूंगी भी नीचे की तरफ, और एक स्टिच दे देंगे आप उस फ्रिल पर जहाँ पर हमारी कच्ची सिलाई हुई हुई थी और हमने धागा खींचा था, उसी स्टिच पर आपको इस पर स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसे स्टिच कर लिया है पट्टी को। अब मैं इसे राइट साइड पे इस तरीके से टर्न करूँगी और 1/4 इंच कपड़ा अंदर करते हुए इसमें एक पाइपिंग दे देंगे, और इसका जो रोजेज है वो सब अंदर करते हुए इसके ऊपर इस तरीके से एक स्टिच दे देंगे कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैंने ये स्टिच दे दिया है और इसका जो लुक है पाइचे का वो कुछ इस तरीके से आया है, ये देख तक सकते हैं गाइस। दोनों पाइचों को मैंने रेडी कर लिया है इसी तरीके से। तो इसका जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा गजब का आएगा, ज़्यादा चुन में मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इस वजह से मैंने बहुत ही कम घेर में इसको रेडी किया है।
तो यहाँ पे मैं जो इसका पोंचा रखूँगी वो चेंज का रखूँगी और पूरा ही इसे स्टिच कर लूँगी। तो अब मैं इसे में बेल्ट अटैच करूँगी, तो बेल्ट की दोनों तरफ को हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ को स्टिच कर लिया है। अब मैं जो इसकी स्टिच है वो बीच में ले आऊँगी कुछ इस तरीके से, और बीच में लाने के बाद मैं इसके ऊपर का नेफा जो है वो भी फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने नेफा फोल्ड कर लिया है। अब मैं इसे अपनी बेल्ट में अटैच करूँगी शलवार को। तो आपको नॉर्मली ही जिस तरीके से पाउचे में आपने कच्ची सिलाई लगाई थी, इसी तरीके से पूरी शलवार में गोल राउंड में कच्ची सिलाई लगा देनी है। ये देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे एक बड़े टांके की कच्ची सिलाई लगा दी है। इसका भी हमें एक धागा खींचना है और ऊपर चारों तरफ से आपको इस तरीके से फ्रिल डाल देने हैं, इस तरीके से ये देख सकते हैं। तो जितनी आपकी बेल्ट है उस हिसाब से आपको इसमें फ्रिल डालने हैं। हल्के हाथों से बहुत धागा खींचना है, इस चीज़ का ध्यान रखें आपका धागा ना टूटे। अगर आपका धागा टूट जाता है तो आपको दोबारा से स्टिच करनी पड़ेगी एक कच्ची सिलाई। तो यहाँ पे मैंने अपने ये देख सकते हैं मैंने बेल्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें स्टिच फ्रिल डाल दिए हैं। अब मैं इसमें बेल्ट अटैच करूँगी। तो बेल्ट अटैच करने के लिए आपको नॉर्मली इसके इस तरीके से करना है जिस तरीके से वीडियो में दिखाया जा रहा है। आपको बेल्ट को अंदर की तरफ कर देना है कुछ इस तरीके से और चारों तरफ इसे स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट को अटैच कर लिया है, ये देख सकते हैं चारों तरफ इसे के स्टिच कर लिया है। अब मैं इसे इस तरीके से राइट साइड पे टर्न करूँगी तो इसका जो लुक है वो कुछ इस तरीके से आएगा गाइज, ये देख सकते हैं आप। एंड अब इसमें मैं इलास्टिक डाल दूंगी ऊपर की तरफ। तो आपको इसके जो नेफा है उसके अंदर इलास्टिक डाल देनी है। तो इलास्टिक आपको अपने हिप से 4 इंच कम लेनी है एंड उसके बाद एक सेफ्टी पिन की हेल्प से मैं इसमें इलास्टिक ऐड कर दूंगी। आई होप गाइज आपको इस तरीके से समझ में आ रहा होगा जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। एंड आप लोगों का बहुत सारा प्यार मुझे मिल रहा है, बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स आपके आते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है गाइस, सीरियसली। तो यहाँ पे जो है मैंने जो अपनी शलवार में अपनी इलास्टिक को पास कर लिया है। अब आपको इस इलास्टिक को स्टिच कर देना है और अंदर की तरफ पूरी इलास्टिक को पास कर देना है। ये देख सकते हैं गाइस इस तरीके से कुछ। एंड इस शलवार का जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा गजब का आएगा गाइस, सीरियसली। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो इलास्टिक है वो भी लगा लिया। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी शलवार है वो बिल्कुल कंप्लीट है गाइस, ये देख सकते हैं आप, पूरा इलास्टिक भी डल के तैयार है। एंड नीचे से भी इसका लुक बहुत ही ज़्यादा गजब का आया है। इसके ऊपर आप फ्रॉक बना सकते हैं या फिर शॉर्ट शर्ट बना सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।